अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, माय नेम इज़ हसन चौधरी और ट्यून इन टू समथिंग हॉट, दिस इज़ द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हसन, क्या हाल है आपका? लगता है आप हजामत वगैरह बनवा के आए हैं। मैंने हजामत बनवाई है मैंने, हाँ। जो मेरा है ना हेयर स्टाइल नदीम बिलियन, उसने गिन के कोई 5 मिनट लगाए मेरे बालों। मैंने उससे हलफ उठवाया, मैंने कहा हलफ उठाओ कि तुम मेरे बाल नहीं काटोगे। उसने कहा मैं हलफ उठा नहीं काटे, उसने बाल नहीं काटूंगा, मैं सिर्फ ट्रिम करूंगा ये वो करके। 5 मिनट में उसने, आई थिंक आपने शेव पे ज्यादा टाइम लगाया और हेयर कट पे कम। शेव पे मेरी टाइम लगा यकीनन, हां, बालों पे इतना नहीं लगा। बट आई एम हैप्पी कि उसने बाल बस जो करना था उसने कर लिया। ठीक है, I will not comment on your new look. You don't like my new look. It's okay. I will reserve my comment. It'll grow on you, Amna. Yeah. It'll take a while. मैंने जब अपने आप को देखा मुझे लगा कि दाढ़ी के बगैर मैं बेहतर लग रहा हूँ। ये मेरा अपना परसेप्शन है। ठीक है। हो सकता है आपका मुख्तलिफ हो। ठीक है। हो सकता है आपका मुख्तलिफ हो। दाढ़ी के बगैर और इन बालों में एक आपके लिए सिर्फ जहाँ प्यारे हसन हैं, आप इस वक्त एक पप्पू बच्चे लग रहे हैं। तो अगर आप मैंने वेट भी बहुत पप्पू बच्चा लगना चाहते हैं तो ठीक है। आज बड़ा ना हमारा वो वाला ड्रेस कोड है, पता है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी कॉकटेल पार्टी पे जाने लगे हैं। कैसे हसन, कैसे पार्टी होती है दिन के टाइम पे? बीच टाइप कोई सिचुएशन है, मॉकटेल टाइप। राइट राइट राइट, क्या कहते हैं उसको? वो नहीं होता जो पूल पार्टी टाइप होती है, स्वारे टाइप। हाँ, उस तरह का। आपका भी उस तरह का रंग है, मेरा भी इस तरह का मायामी वाइस टाइप ऑफ सिचुएशन चल रही है। ह्यूज शाउट आउट टू सैफायर के लोग, उनको मैंने उनका रिव्यू किया वैसे ही एड हॉक फैशन फोर्टनाइटली में, तो उन्होंने मुझे बहुत से कपड़े भिजवा दिए, तो अब मेरे पास बहुत से कपड़े हैं। सैफायरमैन की भी कलेक्शन होगी, बहुत जबरदस्त है सैफायरमैन। तो जहाँ पे आपने आमना को कपड़े भिजवाए हैं, आपको चाहिए कि आपने किया उनका एड हॉक रिव्यू, मुझे रीच आउट करें। बात तो कर दी ना, भाई की बात होगी। जितनी माइलेज उनको दे दी फ्री में। राइट, अब जितनी माइलेज आपको दी है उस हिसाब से कपड़े आपको चाहिएगा। आप मुझे, मैं ढूंढ रही थी ये प्रिंट, मेरे पास एक था ग्रीन में। आई वांटेड एक्चुअली द ब्लू, द रेड एंड द येलो। रेड एंड येलो नहीं मिला उनको, उन्होंने मुझे ब्लू और पिंक भेज दिया, मगर जबरदस्त है। आई लव इट, रियली रियली नाइस। या आई लव द प्रिंट्स, या और अ वेरी मैलिबू काइंड ऑफ अ वाइब। हां, मैलिबू वाइब जी। हसन, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी, इस मौके पे कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगी कि आपकी लुक ये ऑफ है। ठीक है, आप क्या कहती हैं, दाढ़ी बढ़ा लूँ या बाल कटा लूँ? नहीं, अब देखिए, या आप अगर आपने बाल बढ़ाने हैं तो उसके साथ आपकी ग्रंजी दाढ़ी ज़रूरी है, और अगर आपने क्लीन शेव करनी है तो उसके साथ एक सर्टन किस्म का प्रोटोकॉल बालों के साथ ज़रूरी है। हाँ, यू कांट हैव द ग्रंजी हेयर एंड द क्लीन शेव, इट्स इन ऑक्सोमरॉन कम्प्लीटली। या ओके, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ प्लीज, मुझे 5 दिन दें। हफ्ता में दिए दिए आपने, मैंने दिए हफ्ता दें, हफ्ता 2 हफ्ते में इंशाल्लाह बेहतरी। मैं वैसे लाहौर जा रही हूँ वीकेंड पे, होपफुली वापस आऊंगी तो। अरे हाँ, आप लाहौर? मैं लाहौर जा रही हूँ एक दिन के लिए, होपफुली जब तक आप वापस आएंगी। जी 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 जी, मैंने आप लोगों को कहना था कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जो तमाशा की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त और बड़े अच्छे व्यूज आए, फीडबैक बड़ा अच्छा आया आप लोगों का, आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच, बहुत आपका। हां, वाकई 4 घंटे यू वर ऑन द सेट। हां माय गॉड, तो मजा आ रहा था ना। मैं तो, मेरे लिए तो इट वाज लाइक यू नो बीइंग इन अ जॉयलैंड, यू वर एट अ पिकनिक। हां, सो इट वाज लाइक बीइंग इन एन अम्यूजमेंट पार्क। मैं उनको देख रहा था, वो अंदर अपने कर रहे हैं, मैं शीशे में देख रहा हूं। अब उनको नहीं पता कि मैं शीशे के इस साइड पे खड़ा हूं। इट्स अ लॉट ऑफ फन। फिर वो लड़ाइयां, मैंने अभी जो एपिसोड आई बड़ी धमाका वाली एपिसोड, मैं तो लाइव देख रहा था। थिंग्स टू से, वो तो हम उस पे बात कर चुके हैं। हां, तो बट वो आई वाज एंजॉयिंग इट। फिर कंट्रोल रूम में फिर अदान के साथ वैसे ही एक, ऑफ कोर्स क्रेडिट टू हिम यार, वो बड़े प्यार से उन्होंने जो भी डिस्कशन हुई जी, वो बड़े अच्छे उन्होंने अंदाज से सारी गुफ्तगू की। तो थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने उसको एंजॉय किया। कोशिश करेंगे, बल्कि बात हुई है इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड ऑफ तमाशा एक और चक्कर लगाएंगे तमाशा घर का, फिर आपको मज़ीद उन लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि करता धरता है तमाशा की, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तमाशा का आपका रिव्यू आया, वहाँ हमारी स्क्वायर टेबल कल आई होगी, तो जिससे मुझे याद आया कि हमने कोई थंबनेल वगैरह नहीं बनवाया। नहीं आई? मुझे भी अभी आपने, हाँ, थंबनेल नहीं आई कल हमारी स्क्वायर टेबल की एपिसोड। आ जानी चाहिए थी। ओके। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने देख ली होगी, मगर आपने वो नहीं भी देखी तो आपने कम से कम हमारी एक बड़ी चीप सी रील जरूर देखी होगी। चीप तो नहीं थी, बहुत अच्छी चोरी रील थी। आपने जब कहा, मैंने कहा व्हाट, ये आई सॉ दिस 2 पीपल डूइंग दिस एंड आई इवन लाइक द वीडियोस बट आई फाउंड इट वेरी चीप। पर आपने कहा ये करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, लाइक द वीडियो बट फाउंड इट टू बी चीप। हाँ कभी कभी चीप चीज़ें भी तो मज़े की लगती हैं ना। मैं आई डोंट डिनाई इट, मैं कहा यार बड़ी चीपनेस है ये तो, लेकिन आपने कहा ये करना है, फिर मैंने कहा ठीक है। बहुत से लोगों ने बड़ा सही कहा कि आपको ये प्रैंक आमना पे करना चाहिए था। आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस। इनको भी आमना इलियास को भी और अफान तीनों को नहीं पता था वो द फ्रेंड वाज अबाउट। तो हम तीनों में से किसी पे भी कर सकते थे, लेकिन ये बनी ऐसे कि हाँ हाँ मुझे तो पता है, हाँ हाँ आई हैव सीन दैट वीडियो। मैं वो ओके शी सीन द वीडियो, देन आई स्पोक टू आमना, आई एम लाइक हैव यू सीन दैट ट्रेंड, शी लाइक या या आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट। एंड अफान बेचारा एज क्यूट एज ही इज, आई आस्क्ड हिम आई हैव यू सीन इट, ही इज लाइक या या आई हैव सीन इट बट व्हाट इज इट। सो आई एम लाइक ओके ओके, ही डजंट नो, ही डजंट नो। तो मैंने आमना को भी बोला ही डजंट नो, आमना इलियास को भी बोला I just follow directions, you said कि he doesn't know, and then both of them go like okay but what do we have to do, and I was like what। हाँ तो फिर I realized कि इन दोनों को भी नहीं पता, but then तब तक I thought कि अफान, but I think Afaan gave the best reaction। Afaan gave absolutely the best reaction, yeah। वरना मेरा plan ये था कि हम आमना इसानी को करें prank करते जी, मजा आता, बट वो उनको भी नहीं पता था। हाँ but anyway I think he gave the right। हाँ Afaan loved the video, he's like it was so much fun। No, he's such a good sport, yeah। मजा आया कॉन्वर्सेशन के बाद। वो वीडियो बनी है तो अगर आपको लगे कि कल कॉन्वर्सेशन में कोई हम अलग जोन में, तो बिलीव अस हम काफी चिल्ड हैं। इसी जोन में थे, मैलिबू जोन में थे। कल भी उसके बाद हम कल भी हम मैलिबू जोन में थे जी। बट आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को भी इंजॉय किया होगा, और प्राइमरली आई होप कि आपको वीडियो देखने को मिल गई होगी। दूसरी मैंने एक छोटी सी बात करनी है, जब मैं और आमना आपको कोई बात बताते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ आपको एक बात बताएं कि यार ये है। उसके बाद जब आप कहते हैं ना नहीं ये नहीं है ये है, तो फिर मुझे अजीब सा लगता है कि हम आपको बता रहे हैं एक बात तो किसी वजह से बता रहे हो। ये किस चीज़ पे रेफर बस एक पिछले रिव्यू में मैंने कोई आपको एक दो बातें बताई थी, समझ आया करें कि वो बात आपको बताइए तो सही बात बताई होगी, जेन्युइन बात बताई होगी। आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। भाई हमजा की उम्र मैंने आपको बताई कि अच्छा हमजा की उम्र पे, तो किसी ने कहा नहीं हमजा की उम्र 29 साल नहीं 27 साल, ठीक है। तो कोई वजह है ना, मैं आपको बता रहा हूँ हमजा की उम्र 29 साल है, आपको मेरे से ज्यादा कैसे पता होगा। और जिन लोगों ने कहा कि हेपेटाइटिस सी जो है वो सलाइवा से नहीं मिलता, आई अपोलोजाइज, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, व्हाटएवर यू नो व्हाट आई मेंट। तो आपकी वजह से होता है फिर ये। आप ये डॉक्टर हैं वो बोलते थे, लेकिन मैंने आपने मुझे कहा था एक्चुअली, अब आपने मुंह ना मेरा खुलवाएं। क्या मैंने कहा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने कहा था नहीं सलाइवा से भी होता है, ऑल बॉडी फ्लूइड्स से ट्रांसमिट होता है हेपेटाइटिस। यू सेड दिस टू मी इसी सोफे पे बैठ के बिफोर द रिव्यू। तोबा यार ये कैसे बात, अल्लाह की कसम मैंने आपको नहीं बोला, मुझे तो पता ही नहीं है हेपेटाइटिस सी क्या होता है। किसी ने तो बोला है, पता नहीं किससे बोला, मेरे पे क्यों डाल रही है। मुझे क्या पता, मैं डॉक्टर थोड़ी हूं, बट एनीवे यू नो व्हाट आई मीन। तो मुझे क्यों कह रही है, ओके बट ब्लड से तो होता है ना, तो फिर भी बंदा केयरफुल होता है कि शेव वेव ना करें। मैं तो आपकी बात सुन रहा था, मैंने कहा आपको ज्यादा पता होगा तो हम सही कह रही होंगी, मुझे तो नहीं पता। हां हां आप तो जुने बने हैं। यहां तक हमजा की उम्र का सवाल है, मैंने आपको बता दिया, अब आप उसको क्यों डिस्प्यूट कर रहे हैं एक चीज को। मैंने आपको बता दिया ना, मैंने किसी वजह से बताई आपको, तो हमजा की उम्र 29 साल। अच्छा आई हैव अ मैसेज फॉर एवरीवन वाचिंग, एवरीवन फ्रॉम दुबई हु इज वाचिंग। Last year, when I went to the Arjit Singh concert, I met somebody outside the concert, जो कि हमारा review देखते आपको भी बहुत प्यार भिजवाया, और उनके जो husband थे, he was one of the organizers. I believe that they're also organizing the Diljit Dosanjh concert. If you are watching and you are the same people who are organizing the concert, please reach out to me. Why? Because I want to go. So what? So what are they going to do? They're going to bump my seats up to like VIP. If you're reaching out to her, you better reach out to me. All these Sapphire people and these Diljit concert organizers and all these people, why do you not reach out to me? जी. I also want to go to a Diljit concert. ठीक है. And please bump my seat also. Because I have not planned it yet, but I will. दाढ़ी बढ़ा लीजिएगा उससे पहले. हाँ. दाढ़ी बढ़ा लीजिएगा. दिलजीत के पास हम जाके मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और बोलें. आप क्यों कराएंगे? मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी. मैं भी उतनी पंजाबी हूँ जितनी आप हैं। नहीं एक्चुअली आप जितनी नहीं हो, लेकिन हो। आपकी मुलाकात कराएंगे। ठीक है। आपकी रिश्तेदारी है उनसे? जी। ठीक है। We are Punjabi brothers. Okay. You are, as you said, not as Punjabi. No. मुझे भाई बनाने का शौक भी नहीं है कि भाई बहुत है मेरा। जी। और कुछ सामने आप कहना चाहते हैं? मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। तो फिर हम रिव्यूज की तरफ चलें। ड्रामा नहीं है यार। So much drama। हमें वैसे कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कि एक तो आपको एक वीकेंड वाला ड्रामा इधर ले आना। आई थिंक नूर जहां हम यहाँ ले आते हैं। नूर जहाँ या कोई ले आए, जेंटलमैन ले आए या कुछ ले आए यहाँ पे, क्योंकि मैंने आमना को कल कहा कि मैं जूनी नहीं देख सकता और मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देखना चाहता था। और हम दोनों की एपिसोड देखने के बाद भी मैंने यही कहा कि मैं अगली बार शायद हम दोनों बिना देखना चाहूँ। तो अगर हम दोनों और जूनी हम नहीं देखेंगे तो पीछे बच गया तमाशा और कभी मैं कभी तो जी, अनलेस कि आप मंडे और ट्यूसडे वाला जियो का ड्रामा देखना चाहते हैं, जो मैं नहीं देखना चाहती। तो ये मसला है, इसमें आप भी प्लीज अपनी सजेशंस दें, आप बताएं कि हम क्या करें। आज बहरहाल मैंने हम दोनों देखा तो हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। नहीं बट आपके पास वीकेंड ड्रामास इतने हैं कि आप एक आगे ले जाएं, बिकॉज बिस्मिल भी शुरू हो रहा है, आपके पास बिस्मिल है, जफा है, ऑल ऑफ दीज आर बट नो दे आर नॉट योर। चलें विल फिगर समथिंग। आपने हम दोनों देखा? मैंने देखा। आपने जूनी देखा? देखा। मैंने नहीं देखा, तो चलो आपने तो देखा, कॉन्वर्सेशन बड़ा आपने मिस किया। चलो ठीक है, कॉन्वर्सेशन हो जाएगी। और हमारे पास कभी मैं कभी तुम की दो किस्तें, और हमारे पास एक किस्त है, नहीं दो किस्तें तमाशा की, तमाशा की। खातिन हज़रात वक्त हो जाता है एक ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और शुरू भी करेंगे। तब तक आप कहीं मत जाइएगा। विल सी यू आफ्टर रियल शॉर्ट ब्रेक। आप कंसेंसस ले लें ये ना, और बाद में आपकी फैंस कहें कि ओह आमना, हसन वाज लुकिंग सो क्यूट, व्हाई डिड यू टेल हिम ही नीड्स टू ग्रो हिज बियर्ड बैक। प्लीज यार, आपका ओपिनियन मैटर करता है। मुझे मेरा ख्याल है होनी चाहिए, बट आप अपने फैंस के मुताबिक चलें प्लीज। जी कितने नॉन चलांट जी, मेरे मुताबिक ठीक है, बट आप अपने फैंस के मुताबिक चलें जी, व्हाटएवर यू नीड टू डू। मेरे फैंस नहीं है ये, मेरे प्यारे हैं, मेरे दोस्त हैं सब। ठीक है, जो भी ना बोले आप, जो भी मेरे दोस्त हैं, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स का ये हक होता है कि वो अपने दोस्तों को बताएं कि यार तुम शेप में अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे। हाँ, जो आप लोग इतना दोस्त हैं वो बता दें, जो सारे इतना लोग प्यार करते हैं हसन को। हसन आप अच्छे लग रहे थे दाढ़ी में। आमना बकवास कर रही हैं, आप रखें। नहीं ये ना भाई, आप अपनी रखें प्लीज, आप रखें अपनी दाढ़ी। आमना तो दाढ़ी उगा लो। आमना इज बायस्ड एंड यू नो, वो आप कर दें, बता दें। बायस्ड फॉर हूम एंड फॉर व्हाट। मैं तो कह रही हूँ ना, द थिंग्स वी रीड। तो अगर आपको लगता है तो जरूर बाय ऑल मींस आप हसन को बताएं। जूनी के बारे में क्या मैंने मिस किया? यार आपने बहुत एक पिवटल पॉइंट मिस किया। मैं जब भी किस नहीं देखता कुछ हो जाता है। आपने जब किस नहीं देखी, एक पिवटल पॉइंट होता है जब जूनी और मिना आपस में प्यार का रिश्ता बंधन में वो बंध जाते हैं दोनों। अज़दवाजी ताल्लुक, अज़दवाजी ताल्लुक वो तो पहले से थे उनके, अज़दवाजी ताल्लुक तो थे। I don't know why you feel के नहीं थे। वो अलग सो रहा था, बीच में वो सोना शुरू हो गया था, लेकिन शुरू में तो वो इकट्ठे सोए। उल्टी कर दी उसने? उल्टी नहीं की उन्होंने, नहीं नहीं, उन्होंने फिंगर लव किया है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे दोनों, हाँ दोनों हाथों के साथ फिंगर प्ले किया, नहीं किया है, मगर इस दफ़ा उन्होंने बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ लव एक्सचेंज किया है। वजह ये बनी कि उसने कहा, उसने रियलाइज़ किया कि आई एम बीइंग मीन टू बिना, और उसने कहा मैं तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहा हूँ ना, तो उसने कहा हाँ, तो फिर उनके बीच में ठीक हो गया। जैसे लड़ाई हुई थी वैसे ही उनकी सुलह हो गई, उतने ही ठंडे तरीके से। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और बाय द एंड ऑफ द एपिसोड वापस उनके शकूक बनना शुरू हो गए। सो वो पिवटल मोमेंट था, वो इट वाज लाइक अ ब्रीज, आया और गया। इसमें पिवटल क्या था? पिवटल फॉर द ब्रीज। पिछली बार भी उन्होंने सीढ़ियों के ऊपर यूं किया था जी, इसके अलावा क्या हुआ है? इस दफ़ा उन्होंने 2-4 उंगलियों से ऐसे किया, पहले एक उंगली से किया था, आज इस दफ़ा काफ़ी उंगलियों से वो काफ़ी देर तक खेलते रहे। सो मच इंटीमेसी, उंगलियों से करते करते हो सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। अच्छा नो इट्स रियली इट्स लाइक हुस्नारा कैसी है? हुस्नारा ठीक है यार, फिट फिट चल रही है, सूप सूप चल पिलाती है उसको। अच्छा जूनी को या मिना को? जूनी को, जूनी बीमार हो जाता है ना। हाँ हाँ, बेइज्जती करा के, तो जूनी का वो जो बेइज्जती करा के बीमार हो जाता है, गोदाम बिक गया वो पता लग गया मिना। हाँ उसने बेच के बड़ा ऑफिस ले लिया ना, बड़ा ऑफिस उसने लिया है, बड़े ऑफिस तो ले चुका था ना, वो शिफ्ट हो रहा था। फ्लैट नहीं ले रहा था वो? फ्लैट तो लिया ना निदा के लिए, और अपने लिए बड़े ऑफिस में शिफ्ट हो रहा था, तो उसने कहा ये पड़ा हुआ है गोदाम, तो ये बेच के निदा के लिए कर लो। तो अब एंड ऑफ द एपिसोड आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट विद वाइफ, वाइफ कहती कि बस तुम अब मेरी हर बात मानोगे ना, कहता हाँ तुम्हारी जान हाजिर है, कहती जान नहीं चाहिए, घर चाहिए मुझे, आई वॉन्ट अ हाउस, आई वॉन्ट अ गुड हाउस ना, मुझे फ्लैटों में नहीं रहना, मुझे तुम घर लेके दो। तो उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर, जब पैसे होंगे, जब हम मेहनत करेंगे, जब आप पैसे इकट्ठे करेंगे तो हम ज़रूर घर लेंगे। कहते नहीं नहीं तुमने अभी अपना दफ्तर दिखाया नया वाला, इतना अच्छा है, वो तो इंशाल्लाह बन जाएंगे, लेकिन वो गोदाम पड़ा हुआ है, उसको बेचो और घर ले लो। तो उसके बाद यूनी सोची पै जाता है बिकॉज घर तो वो फिर शॉर्ट लिफ्ट। अच्छा मीना को उसने दिखा दिया। हाँ हाँ इतना बता रही हूँ ना, उनका लव बन गया, लव एस्टैब्लिश हो गया उनका। तो वन एपिसोड आई डोंट वॉच इट एंड मीना को उसने ऑफिस जाके दिखा, ऑफिस भी दिखा दिया, लव शव भी हो गया और बहन आपी जो है, आपी तो रोल ही नहीं था उनका इस दफा, आई नहीं हो रहा आई सरसरी तौर पे। तो वो इतना स्ट्रेस में क्यों था गोदाम बेच के? सेंसिटिव सोल है वो, बेसी करा के बुखार हो गया, पूरी एपिसोड जो उसको बुखार हुआ है स्ट्रेस के, वो बेसी करा के नहीं वो नहीं एपिसोड बेगुदाम की वजह से नहीं बुखार चढ़ा, इस तकलीफ में हुआ कि निदा की मंगनी कर दी, मुझे बताया नहीं। लेकिन अब्बा जी जो फ्लैशबैक में आए थे वो तो उसकी समझ नहीं भी आई। और अभी वो बिजनेस भला क्या कर रहा है, मैंने क्या कहा था आपको, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नेवर हर्ड बिफोर, सो मच अटेंशन टू डिटेल। Import export का business कर रहे हैं। Hey, let's think about what our hero is going to do for a living. He's just bought a big office, so what should he be doing? We can't call it importing, and he would be exporting. Hey, guess what? When they didn't know what to do in the 80s, they just said that import export का business उनका, so let's just plug that in. यार मेरे अब्बा का असल में एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इंपोर्ट का नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट। या बट वी नो व्हाट ही इज एक्सपोर्टिंग, वी हियर वी डोंट नो, देयर इज नो डिटेल, सो आई लव द राइटिंग। वी नो व्हाट माय फैमिली, या या इवन आई नो व्हाट हिज फैमिली एक्सपोर्ट्स, सो वी डोंट नो व्हाट जूनी इज डूइंग एंड हाउ ही इज सो ग्रेट एंड व्हाट्स हैपनिंग। इंपोर्ट बिजनेस इज ग्रेट बट इट्स आल्सो वेरी एक्सपेंसिव यू नो एंड इट्स वेरी ट्रबलिंग। रिचेस आर इन्वॉल्वड इन जूनीज लाइफ, ही इज अ रिच मैन, क्योंकि इंपोर्ट तो आपको पता बंद हो जाती है एकदम। और एक और बड़ी पिवटल डिटेल पता चली जो शायद आपको पहले पता और मैंने ना नोटिस किया हो, अनवर भाई याद है? हाँ हाँ। जिन्होंने रिश्ता कराया था। हाँ हाँ। पता क्या चलता है वो उनका और भाभी आंटी का चक्कर था। हाँ हाँ। I just know that. ये तो पहले दिन से पता है। Yeah. She wanted to marry him. Yeah. Yeah. He thuded कराया for good reason. बच गए वो बाल बाल। Dude, I'm not watching this again. पूरा 15-20 मिनट का रिव्यू। अब रिव्यू तो करना है ना, अब देखा है तो हलाल तो करना है। I can't. Can you watch हम दोनों? I can't. Can't? I can't. She's become British. Bradford. Yeah. I really can't. I can't. No. She can't watch it. आएगा मेरा ब्रिटिश एक्सेंट, मेरे कई एक्सेंट्स आएंगे तमाशा के रिव्यू में आज। अच्छा हाँ। क्यों हम दोनों क्यों? ब्रो ब्रो तुम लोग क्या कर रहे हो ना, ब्रो चाय बनाई मैंने, ब्रो तुम लोग कहते हो फिर मैं करती हूँ काम, तो मेरे बैक में भी दर्द थी ब्रो, ये आएगा। आप ऐसे कर रहे हैं। हाँ? आप कर रहे हैं मैं जेल में चली जाऊंगी, आप कर रहे हैं आप देंगे मैं स्टैंड लूंगी। यार अभी से क्यों कर रहे हैं? We'll get to it, हाँ? हम दोनों देख पागल हो गए मैं और आमना। मैं आपको बता रहा हूँ ये ना हमारे दिमाग को असर कर गई चीजें। हाँ। हम दोनों देखना चाहती हैं आप या नहीं? नहीं। क्यों वजह बताएं। मैं हम दोनों इसलिए देखना चाहती कि मेरे साथ कैरेक्टर्स ही नहीं, कैरेक्टर्स ही रेजोनेट नहीं कर रहे। पहली बात है कि हम दोनों को देखने की कई वजूहत थी और वो स्टैंड करती हैं। I'm extremely fond of all the actors in the drama. That goes without saying. But the pivotal pivot for me was the writer, and this doesn't seem like something. Oh, मैं भूल जाता हूँ कि Bee Gul ने exactly, exactly. I mean, I think I've been cheated. यार अभी तक आप लोगों ने पूछा नहीं Bee Gul से. I'll call her. Call her. I think I've been cheated because even if it is a Bee Gul script, it doesn't read like one. And the fact of the matter is that we're into the 5th episode now, and bloody hell, it's so slow. The only thing we learned in this episode is that the mastermind behind all of this is Shahroz and not Mr. Ijaz Durrani, whose name we heard like a billion times. Medical चीज़ें हमें पता चली हैं कि flatline करने के बाद कैसे revive किया उन्होंने असद को। मैंने तो कहा गया, शायद कुछ some twist to this tale, but there wasn't. बात यह है कि मैं इस बार जब किंजा को देख रहा था, वफ़ा को देख रहा था, आता जाता तो एज अ व्यूअर मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ मुझे कोई इमोशन नहीं फील हुआ इस लड़की की तरफ। वो क्यों नहीं फील हुआ बताएं। क्योंकि मैंने उस लड़की और उस लड़के के बीच में ऐसे कोई मोमेंट्स नहीं देखे कि जिस वजह से मुझे इनके बीइंग अ पार्ट या इसके दुख का जो अंदाजा है वो हो। जब आप दो कैरेक्टर्स के बीच में वो देखते हैं ना, जैसे वो कौन सी फिल्म थी जिसमें हाँ विक्रांत मासी की जो फिल्म थी अभी जो आई थी 12 फेल, उसमें वो जो लड़की के साथ उसका इमोशन था बिल्डअप होते, तो आप दो कैरेक्टर्स स्पेशली अगर एक रोमांटिक ट्रैक है तो आप जब तक उनके मोमेंट साथ में, क्योंकि अभी तक अगर आप 5 एपिसोड में देखें किंजा हैज मोर स्क्रीन टाइम विद जावियार, राइट? तो हमने वफा और शहरोज को ऑन स्क्रीन ज्यादा देखा है बामुकाबिल वफा और असद को। तो वफा और असद के लिए मैं क्यों रूट करूं? ठीक है किंजा ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया उन सीन्स को, बट एज अ व्यूअर मेरी कोई सिंपैथी नहीं है वफा के साथ। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम विद डायरेक्शन एंड राइटिंग कि आपने जब उस रोमांस को इतना बिल्डअप होने का टाइम नहीं दिया, लेकिन उसको दो चाहने वालों को अपार्ट दिखाने का जो नज़ला है और जो एक पूरा जो उसकी डेविस्टेशन है वो आपने मेरे ऊपर इम्पोज कर दिया है, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड। और दिया आपने लास्ट 1-2 एपिसोड्स में फ्लैशबैक्स दिए जो बड़े एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग देयर शुड बी मोर, वी डोंट हैव एनफ फ्लैशबैक्स। सामने देखें वो वाली बात नहीं होती जो आप जैसे पहला एपिसोड का पहला सीन था वो आती है लड़की ऊपर वो सीढ़ियां चढ़ के जाता है, हमने एंजॉय किया उसको, मजा आया वो। अगर उसकी कंटिन्यूएशन हुई होती ना कि ये लड़का लड़की कैसे एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, कैसे एक दूसरे को, जैसे फॉर एग्जांपल अब कभी मैं कभी तुम में जब वो नहीं सुनता उसकी बात आपको अर्ज फील होती यार इसने क्यों नहीं सुनी बात, यू नो। अब इस तरह की कोई सिचुएशन कभी मैं कभी तुम में शर्जीना और मुस्तफा के बीच में, टोटली इन्वेस्टेड इन दोस कैरेक्टर्स, तो आपको वो इंटेंसिटी फील होगी शर्जीना की भी और मुस्तफा की भी यार कि ये हो रहा है, यू विल फील दैट इमोशन विद द कैरेक्टर। बिल्कुल। सो सैडली द डायरेक्टर एंड द राइटर आर नॉट, whoever has written it, if Bee Gul has not written it, but it's her name on the credits. No, it's Bee Gul's writing. So I'm going to say मैं बी गुल का ही कहूंगा, तो बी गुल एंड नाविस रजा हैव फेल्ड टू डेवलप दैट कनेक्शन यस फॉर द व्यूअर विद वफा एंड वफाज इमोशन। आई एम जस्ट वाचिंग इट विद अ लाइक अ ब्ला फेस, ओके या एब्सोल्युटली, बट आई हैव टू से अगेन एक्टिंग अलग चीज होती है, आप एक्टर को इस चीज के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर नहीं कर सकते। तो आप अजान को या किंजा को या जावियार को या नुमान इजाज को नहीं कह सकते कि यार उनकी परफॉर्मेंस में मुझे एक्चुअली जावियार की परफॉर्मेंस भी बहुत मुझे अच्छी लगी, बल्कि इट वाज अ वेरी मेजर्ड परफॉर्मेंस एंड जो उसका एक सिनिस्टर वाइब है वो आई है। ही इज ग्रोन, ही इज ग्रोन, या व्हेन ही सेज टू इजाज दुरानी कि आपने मेरे मावो के साथ किया, बट इट्स नॉट लाइक मैंने ग्रज रखा है, यू नो दैट रखा है इसने। और यू नो कि इजाज़ दुरानी ने तो ये कहा था कि उसको उठा के टांग छांग तोड़ दो, और बट ही नेवर सेड के पल्वराइज हिम, एंड ये सारा इस शहरोज़ ने किया है बीच में इंटरसेप्ट इस पूरी सिचुएशन को। तो ही इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट, सो दैट सिनिस्टर वाइब एंड दैट कैरेक्टर फिर भी इज़ इंटरेस्टिंग, बट द मेन स्टोरी इज़ दीज टू पीपल। एंड वफा इज़ सच अ पेसिमिस्ट, और मैंने वही कहा कि यार ये इतनी पेसिमिस्टिक लड़की है, गाड़ी में जब जा रही होती है तो वो कहता है बच जाएगा, तो कहता है नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा, ही इज़ गिवन अप ऑन लाइफ, ही वॉन्ट सर्वाइव द नाइट, पहले वो ये कहती है। फिर वो आखिर में उसको कहती है अपनी दोस्त को कि वो शादी नहीं करेगा, उसने तो आंखें बंद कर ली, उसने कमरे से निकाल दिया उसको बाहर। एग्जैक्टली, उसने कहा फैमिली को बुलाओ, नर्स को, फैमिली को, वो ना शी डजंट वांट टू मीट हर, ही डजंट वांट टू मीट हर, तो वो यही कह रही है ना कि वो शादी भी नहीं करेगा और वो बचेगा भी नहीं। और तो दो चार तो कितने ये देखें कि एक तरफ उसका बाप है, उसके बाप ने उसके लवर को ठुकाई करा दिया, ऑलमोस्ट मरने की हालत तक पहुंचा दिया है, लवर ने भी, लवर कह रहा है कि मैं, लवर ने ठुड करा दिया, तो वो क्या करेगी? और वो नो, बट शी इज कंफ्यूजिंग, शी इज कंफ्यूजिंग। जब वो शहरोज के साथ गाड़ी में जा रही होती है तो वो कहता है तुम इतनी परेशान हो, तो कहती तो क्या करती, आई वुड हैव डन द सेम फॉर यू, शी सेज दैट टू हिम। हां, इंसानियत। एंड आई वाज लाइक are you doing this out of humanity or out of love? I mean, I don't get it. इंसानियत के नाते उसने बोला। Sure, but that's not the dialogue to give there. उसने कहा मैं आपको पागल, प्यार की पागलपन में नहीं कर रही यार, ये बात को समझो कि मैं होश में हूँ, मैं अपने बाप के खिलाफ। But I have nothing to convince me that ये वाकई इतनी morally upright लड़की है। मुझे तो नहीं ऐसा, मुझे तो मेरा तो ख्याल था प्यार के खिलाफ FIR कटाने, मेरा तो ख्याल था प्यार में कर रही है, वो मोहब्बत में अपने इश्क में कर रही है वो, कि मेरे आशिक को आपने ये किया, नॉट आउट ऑफ लाइक ह्यूमैनिटी। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। सो अनफॉर्चुनेटली आई एम फाइंडिंग इट वेरी बोरिंग। आप लोग बताएं यार, और हमारी जो ऑडियंस है ना बड़ी सच्ची और खरी ऑडियंस है, आप लोग यू डोंट मिंस योर वर्ड्स, आप लोग जो फील करते हैं ड्रामे के बारे में आप लोग बोल देते हैं, आप किसी के बाप से नहीं डरते। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुले दिल के साथ बिल्कुल ऑनेस्टली ये बताएं कि हम दोनों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपको कहीं ना कहीं उसके साथ कोई कनेक्शन नज़र मिल रहा है, बन रहा है, या आप हमारी तरह अजीब से यू नो यूर इन टू ओपिनियंस अबाउट इट, क्या है आपका जो भी है तासुर, वो आप हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें, जूनी के बारे में भी शेयर करें। फिर मैं और आमना आपके इस रिव्यू के कमेंट्स के ऊपर अपना हतमी फैसला एक सुनाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इन एपिसोड्स के साथ, ठीक है जी, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, तमाशा। तमाशा एपिसोड नंबर 18, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं एपिसोड खुलते ही। पहली बात तो आप मुझे ये बताएं जो मुझे बड़ी ऑड लगी, व्हाई आर टू गर्ल्स अलाउड इन द बाथरूम एट द सेम टाइम? बड़ी देर तक मैं इस पर सोचती रही। यार इट्स नॉट द बाथरूम, इट्स एन एरिया, इट्स लाइक सो इट्स गॉट सिंक्स एंड इट्स गॉट क्यूबिकल्स, क्यूबिकल्स वाला वो पूरा एक एरिया है। ओके, दैट एंटायर थिंग इज कॉल्ड द बाथरूम, नॉट जस्ट एक्चुअली लाइक द शावर और द टॉयलेट। ओके, I have not been there but I am assuming usually that एक बाथरूम होता है, उसके अंदर एक कमोड होता है और एक शैप सिंक होता है और एक शावर एरिया होता है, एक ही बाथरूम है। जब आप हॉस्टल में रहते हैं या जब मुझे बिग बॉस से जो याद है, क्योंकि उनके उस एरिया में भी कैमरा होता था, क्यूबिकल्स होते हैं। सो एक तरफ आपका शावर का क्यूबिकल होता है, एक तरफ आपका टॉयलेट वाला क्यूबिकल होता है, okay. और फिर वो एरिया पूरा जो है कॉर्डन ऑफ होता है, राइट राइट। सो आई एम अज्यूमिंग इट इज सच हियर एज वेल कि एक एरिया है, एरिया के अंदर फिर क्यूबिकल्स हैं, एक टॉयलेट का अलग क्यूबिकल है, शावर का अलग क्यूबिकल है, सिंक्स हैं where they I found it a bit odd though but what? yeah okay that yeah okay like that's how it is in hostels as well okay na मैं तो रह गया हूं हॉस्टल्स में, तो कई क्यूबिकल्स होते हैं और कई सिंक होते हैं, तो यही ऐसे ही और सब मतलब है ऐसे ही होता है, तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, ठीक है, दो चार सिंक्स होंगे, दो या तीन सिंक्स होंगे, तो अगर तीन सिंक हैं तो then three people should be allowed at the same time, हां maybe there's one sink, maybe there's one sink, one toilet and one shower area. And two people can go and like one people can do their thing, and the other person can do the other thing, and which would be weird if one person is doing the other thing and the other person is doing the other thing. Yeah, it would be. Yeah, my point. Yeah, my lord. My lord. Yeah, I mean, I was. But girls don't have these problems, huh? So why are they not human? Of course, they have these problems. No, I'm thinking like it's weird. But यार असल बात ये है कि ये दो एपिसोड देख के एक बात मैंने फैसला किया है. What? जोड़ियाँ आसमान पे बनती हैं, जोड़ियाँ अल्लाह थे जेडी अनम दी ते मानी दी जोड़ी है ना, अल्लाह लड़ाई जोड़ी है। अच्छा यार अनम 3 दिन नहाई नहीं, उसने कहा मैंने अपना सर वॉश नहीं, उसने कहा मैंने 3 दिन से शावर नहीं किया, मुझे सर धोना है अपना, उसने कहा मैंने खाली सर वॉश किया था, उसने कहा मैंने 3 दिन से शावर नहीं किया मैंने, व्हिच वाज माय थिंकिंग, अगर सर वॉश किया तो फिर एनीवे टीएमआई नो आई देयर वाज टीएमआई बट आई एम सॉरी इट मेड मी थिंक आप सर वॉश कर सकते हैं बॉडी वॉश किए बगैर, अगर आप सर वॉश कर रहे हैं तो आप बॉडी क्यों नहीं वॉश, अगर आपके वो सैलून वाली चेयर्स हैं आप बॉडी वॉश कर सकते हैं सर वॉश किए बगैर, अगर अनलेस कि आपकी सैलून वाली चेयर्स हैं और कोई और आपकी वॉश कर रहा है बाल, नहीं अगर आप विच वुड मेक सेंस फॉर टू वुमेन टू गो इन एट द सेम टाइम कि अगर कोई किसी के बाल धो रही है, आई एम टेलिंग यू इट वाज नो यू जस्ट डिडंट गो देयर, आई डिड, नो प्लीज टेक दैट, ओके नाउ इट्स स्टक। How did she wash her hair without taking a shower? Is my point. You can take a shower without washing your hair. That's what I'm saying. Unless you have a salon chair. जो salon में कुर्सियाँ होती हैं, there's no salon chair. It's a good point. Yeah. She said कि मैंने 3 सिर्फ बाल धोए हैं. मुझे समझ आई है कि मैंने 3. So maybe she went in quickly, like washed her hair and came out. Without washing her armpits and the rest of her body, no. That's no, what she's implying. I don't know what she's implying. I heard or that. Or maybe she went in sink में जाके उसने बाल धोए हैं sink में और sink से ही आ गई। Bottom line ये है कि वो 3 दिन से नहाई नहीं है, कुछ ना कुछ नहाई वो नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। 3 days यार ये बड़ी अजीब कॉन्वर्सेशन है। मगर ये हुई ना यार, ये बड़ी लंबी है। जो काटने की चीजें तो वो काटते नहीं। हाँ नहीं काटते नहीं काटा। ये आप इन्फॉर्मेशन देने क्या जरूरत थी टीवी कि अनम नहाई नहीं 3 दिन। ऊपर से यार अल्लाह रुलाई जोड़ी, अनम कम से कम मानी के साथ रह के अंग्रेजी तो सीख लेगी। पिछले हफ्ते हमने देखा सी उर्चिन को लेके वो जो चल पड़ी थी, अब जो उसने कहा डायलॉग मुझे लिखना पड़ा, हसन ने कहा मैं भूल ना जाऊँ। अनम कहती है पहले उसने बताया कि मैं 3 दिन से नहाई नहीं, फिर उसने ग्रुपिंग की बात की सारी, फिर नहाने की वाली बात के बाद और वो 2 लड़कियाँ एक वक्त पर जाएंगी और 3 नहीं जाएंगी, इसके बाद कहती है माही और हुमना ने ग्रुपिंग की भी नहीं। मैंने कहा ग्रुपिंग what the hell are they talking about? And then she meant grouping. Then I figured it out. Anam is that person जिसने दूसरे लोगों की अंग्रेजी फिक्स की हुई है घर में। Oh really? अगर आपको याद ना हो तो किसी ने कहा कलीग, तो उसने कहा कलीग क्या होता है? कॉलीग होता है। Oh कॉलीग होता है, right? ये कहते हैं एक अंधा दूसरे अंधे को सड़क पार कराता है जब यार आप उर्चन पे बैठ गए आप लोग। क्या करूं, उर्चन तो मेरे सर से नहीं निकल रहा और अब ग्रुपिंग, अब मैंने जब कहना होगा ना ग्रुपिंग है तो अंग्रेजी नहीं आप उड़ा सकती हैं क्योंकि दैट्स आपने मैंने आपको मना किया था, मैंने आपको कहा था मुझे ना कहना, मुझे ना टोकना मुझे। इसके अलावा क्या है, पहले तो मैं ऐसे फंसी रही, उसके बाद ये टास्क शायद शुरू हो गया वाटर बलून वाला, बड़ा वायलेंट टास्क था, ये भी पिछले साल हुआ था। नहीं ये बड़ा ही वायलेंट था भाई, people were taking out a vendetta. वो 2.5 घंटे खड़ा रहा है, 2.5 घंटे वो खींच के बाद देखा लड़के 4 फीट करते हैं तो बस जाती होगी यार बेचारा उसके साथ जाती हुई उसके साथ। नॉट फेयर। हाँ उसका तरीका यही था, मुझे ऐसा लगता है लड़कों को ये चाहिए था, जैसे जोया ने अपना दे दिया था और फिर अगले दिन इन सबके पास ऑप्शन था कि ये जोया को जिता सकते थे अपने हाथ उठा के, तो अगर अकील 2.5 घंटे खड़ा हो गया था और बाकियों के कमर में और सारी चीजों में दर्द था तो बॉयज कहते कि यार बॉयज चढ़ते उसके ऊपर, हाँ, और एक मिनट के बाद सब उतर जाते, फॉरफिट कर दिया गेम। हाँ, गेम खेल के एक मिनट के बाद सब उतर जाते, गेम भी ना जाया होती और वो उसको जिता देते क्योंकि वो 2.5 घंटे खड़ा रहा है, लेकिन उन सब ने वो ईगो को ले लिया। बड़ी पैड़ी हुई नाल भी आओ बेचारे ने कन्विंस करने की तो बहुत, मुझे पहली बार अकील पे थोड़ा सा तरस आया, मैंने कहा यार ये जाती है। माही तो माही के साथ भी जाती है, माही भी खड़ी रही काफी देर और बड़ा अच्छा खेली माही अच्छा खेली। साइमा ने खेली ये गेम, साइमा को मौका नहीं मिला ना, साइमा कितना चीख लिया उसने कि बादशाह सलामत ये देखें ये क्या हो रहा है, बादशाह सलामत, वो बेचारी चीखें मार मार के कह रही थी कि यार ये उठ नहीं दे, ये हट नहीं दे, मतलब कि साइमा फैसिलिटेट नहीं करी और वजिया को सही पनिशमेंट मिली है, पता है बिल्कुल सही मिली है। पिछले हफ्ते भी उसने ये किया था कि एकदम वो निकल आई थी गेम से, हाँ, कि मैं नहीं कर सकती। कौन सी गेम में वो बैग्स वाली गेम से, हाँ, या तो मेरी दर्द हो रही है, आई कांट डू दिस, आई एम आउट। अभी भी उसने कहा आई एम आउट, आई एम आउट। ठीक है वो सही है कि आपने ये असेस कर लिया कि ये वायलेंट हो जाएगी, मैं नहीं है आगे बार ठीक है। यहाँ पे भी आप हार गए, आप नहीं कर सके, दैट इज फाइन, आपसे नहीं हो सका, लेकिन आप फिर बाद में पार्टिसिपेट ना करो ये सोच के कि यार कि अगर मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगी तो एक्स जीते, या ये ना भी सोचो आपकी कि जीतेगा कौन, बट आप पार्टिसिपेट ही ना करो, वो गलत है, वो गलत तो है। उसकी सजा सही मिली है वजिया को। यार बात ये कि ये जो है ना घर तमाशा घर, हाँ, इसको देख के ना मेरी जो ओसीडी है ना, ओडी सफाई वाली, वो साफ में आपको आंखों देखा वो तो है, ये कंटेस्टेंट साफ नहीं है। कौन नहीं साफ? ये सारे साफ नहीं है। मतलब एक बात तो ये कि अनम नहा नहीं रही 3-3 दिन, ठीक है ना, ये मुझे बड़ा मसला है, तो लगाती होगी ना, ओके okay. दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके मग हैं उन्होंने निकाले और 5 थे वो सही धुले में नहीं थे। अब मुझे फिर झुरझुरी हुई कि सोचें आप जो अंडा खा रहे हैं वो बर्तनों में से अंडे की बुआ रही होगी, मगों में से भी चाय से भी, या बट गंदगी का एहसास तो हो रहा है ना मुझे इनको देख के, एक वो मुझे झुरझुरी सी हुई कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं ये, मतलब है। फिर यार पता नहीं किसके गंदे कपड़े उनको ला के दे दिए धोने को, जो ब्राइट वाला पूरा चैलेंज था। मैं देखती रही, मैंने कहा यार ये बड़ा पर्सनल है, किसी की शलवारें लोगों की धोना और उनको इस्त्रियाँ करना। आप क्या चाहती हैं क्या हो? मुझे नहीं पता, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि मुझे गंदगी का एहसास हो रहा है। ये जो गेम है ना, ये पिछली बार हुआ था वॉशिंग मशीन वाला, ये मुझे पिछली बार भी पसंद नहीं आया था, नहीं क्योंकि ये मुझे लगता है ये बोरिंग गेम है कि आप कपड़े धो रहे हो और फिर साथ साथ उनकी बुराइयां करो। ये जो एक्टिविटीज होती है ना जिसमें आपको गेम खेल रहे हैं, फिजिकली कुछ कर रहे हैं, कोई माइंड चैलेंज हो, अच्छा होता है, हाँ, फिर भी कुछ मजा आता है। इवन चाबी वाला बड़ा अच्छा था, चाबी वाला अच्छा था लेकिन ज्यादा चला नहीं। बट ये जो टास्क होते हैं ना जो एट अ स्ट्रेच उनको करने होते हैं 2, 4, 6 घंटे, 8 घंटे, मुझे तो लगता है किसी के कपड़े धुलवा लिए उन्होंने मुफ्त कपड़े धुल गए। नहीं वो बड़ा अच्छा था, 1 सच और 2 झूठ वाली गेम, वो बहुत अच्छी थी। हाँ, वो अच्छी। थोड़ी माइंड गेम उनको सही तरह से समझ नहीं आया उन्होंने। यू कांट डू ओपिनियंस, बट द थिंग इज दैट थोड़ा माइंड गेम्स हो, थोड़ी फिजिकल चैलेंज हो, व्हाटएवर, बट दिस वाज रियली लाइक फिजिकल जो चैलेंज होता है ना उसमें, लेकिन ये फिर सारे वो थकार के बैठ जाते हैं, चोटें लगा के। हम लोग ये बहुत वायलेंट गेम थी बलून्स वाली, मारते भी उसने चीजें, फेंकते भी उसने, कैसे अपनी उंगली तोड़वाती है वो। उन्होंने कहा कि जी जो लग रहा था जिसको वो इतना स्ट्रेनुअस नहीं था, जो मार रहे थे वो ज्यादा था। आई कैन गेट इट, आई गेट इट। आप जितने फोर्स से लड़कियों ने सही स्ट्रेटजी से माही को, हाँ, उन्होंने कहा 1, 2, 3 कट्ठा मारा, तो इस तरह अकल नहीं इस्तेमाल, नहीं बहुत ही बोंगे हैं, बहुत ही बोंगे हैं। तो ये था। एनीवे, कमिंग टू द ब्राइट चैलेंज, इन्हें कहा कि जी एक दूसरे की बेइज्जती करें, तो मैं कहती हूँ कि मेरे ख्याल है नुमान को तो अवार्ड मिलना चाहिए जो उसने बेइज्जतियाँ की हैं और जो मिमिक किया है। आपकी फेवरेट? मैं आपसे कह रही हूँ मैं जाऊंगी, मैं जेल चली जाऊंगी, लेकिन मेरा मैं बादशाह सलामत से शिकायत करूंगी। ब्रो तुम्हारी गेम खराब थी ना, तुम्हारी गेम खराब हो रही है ब्रो। मैं बता रही हूँ मैं चली जाऊंगी ब्रो। ब्रो डाले मुझे जेल में, मुझे डाले जेल में, मुझे फर्क नहीं पड़ता ब्रो। ब्रो और एक तो उसकी जो हुडी है वो नहीं उतरती, मेरे ख्याल है वो भी बाल नहीं धो रही, तो उसने कहा हुड लगा लो। ये तानिया ड्रामा में तो सही होती है, वैसे ये रिवर्स है इसका चल रहा चल रहा है। हाँ मतलब बात सही करती है ड्रामों में। हाँ ब्रो ब्रो नहीं करती। बड़ी एक सो द थिंग इज दानिया पिक्ड अप दिस टोन and this style of speaking which I think is her character for Tamasha. If she is genuinely like that I don't know, but if she's picked it specially for Tamasha it's really annoying. Yeah. And if it's, you met her genuinely? Yeah, I've interviewed her. Is she like that? She's does no, she speak like that? No, not at all. Bro. मेरी duty लगा दी है आप. Bro मैं नहीं करूँगी ये वो सारा कुछ. ऐसे नहीं बात करती हो तुम? नहीं normal थी, बिल्कुल ठीक थी बिल्कुल। Anyway, मुझे ये अच्छा लगा कि कुछ कंटेस्टेंट्स जो थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं अपनी लुक्स में और अपने हुलिया ठीक रखने में। फॉर एग्जांपल केस इन पॉइंट अरसलान का बड़ा अच्छा उसका एक कार्गो सूट बहुत अच्छा था उसका, और अकील ने बड़ा सूट पहना हुआ था सेकंड उसमें 19th एपिसोड में, वो बहुत अच्छा लग रहा था। मानी को क्या है? मानी ने कल वो जब खाते हुए नली खा रहा था और वो सब कुछ खा रहा था और इसके पूरे मुँह पे यूँ दाढ़ी पे ऐसे आइसक्रीम गिर रही थी, तो उसने बोला ना नुमान ने कि आप दुआ करें कि ये ना जा रहा हो कैमरे पे। तो उसने कहा I don't care। ब्रिटिश एक्सेंट सेव कर जाता ना बस। कोई नहीं सेव किया यहाँ, तो यहाँ बिल्कुल नहीं सेव किया। और सुबह का जो मानी का एक हुलिया होता है वो टाइट्स पहन के और वो अजरक की चादर और चप्पलें, लाइक डूड आई मीन ठीक है। वो जो बाजी बना हुआ था रात को खाना खाने के लिए, वो जो पूरा पहन के और मैं खाना खा, और जब वो ऑर्डर कर रहे थे एक व्हाइट कोल्ड ड्रिंक और एक ब्लैक, और तुम्हें डाइट चाहिए अच्छा तो फिर हम ये व्हाइट में डाइट और आलू छोले और मगज मंगवा लें, ब्रेन मसाला एंड यू नो। व्हाई डिडंट द विनिंग टीम गेट आल्सो गेट द फूड? हां देयर वर टू टास्क्स, वन वाज टू क्लीन द क्लोथ्स, उस पे मिलना था, दूसरा के बेइज्जती कौन करता है अच्छी। वैसे तो इन्होंने की बहुत अच्छी, मानी एंड नोमान टेक द केक। ये डिजर्विंग था। वो था जो अरसलान है ना बेचारा बड़ा कंफ्यूज्ड आदमी है, वो अपना फैसला बहुत चेंज करता है। अरसलान बहुत निकम्मा है एज अ वजीर, ना उसकी गिनती सही हो रही थी क्यूटी पाई की। अच्छा लगता है मुझे इसलिए मैं उसके ज़्यादा बुराई नहीं करूँगी, बायस्ड हूँ तो हूँ, लेकिन ये है कि कपड़े उसने गिनने में कपड़े उनके सही थे जो बादशाह सलामत ने एंड में फैसला करवाया। इसने गिने नहीं सही, और इन्होंने बेइज्जती से की थी। ये तो हम देख रहे थे, तो वो वहाँ पे होते हुए सही तरह से असेस नहीं कर पाया। But I'm liking Saima's new avatar, as in she's become less aggressive and she's smiling a lot. I like that. Hey, for a day. Saima and Mahi were on the same team. They hugged each other and they got saved. I know. I like that. इस हफ्ते निकलेगा कौन? ईमान तो मुझे नजर ही नहीं आई इन दो किस्तों में। नहीं, ईमान को निकल जाना चाहिए। But she saved, so she won't. She won't. Right. तो ईमान, मेरा ये honest opinion है कि इस हफ्ते nobody else but Iman deserves to be eliminated, but she won't be eliminated because she saved. तो एक deserving बंदा इस हफ्ते eliminate होगा, unless ये elimination ना करें, जो कि मुझे लगता है कि इनको इस हफ्ते eliminate नहीं करना। नहीं, वजिया भी हो सकती है। हाँ, वजिया भी हो सकती है। वजिया फिर भी मैं कहूँगा ईमान के मुकाबले में she brings something on the table। वो जो गेम थी उसमें गेरी लड़ाई लड़ोई कुछ ना कुछ उसका। No, out of the ones who are in the खतरे का घर। हाँ, लेकिन या सो एक डिजर्विंग बंदा जाएगा क्योंकि ईमान इज द लीस्ट कंट्रीब्यूटर। या शी इज लाइक शी इज नॉट देयर, शी इज पार्ट ऑफ द फर्नीचर, कोई पता नहीं चलता कंप्लीटली। जुनेद भी हल्का पर हाथ पांव मारता है, लेकिन ये है कि वो भी जा सकता है वैसे। जुनेद अपनी तरफ से डिस्पेंसेबल है, वो भी बहुत बुरी मिमिक्री कर रहा था, जितनी बुरी मैंने और आमना ने की उससे भी ज्यादा बुरी। डिस्पेंसेबल है वो, डिस्पोजेबल डिस्पेंसेबल। या Alright. ये दो दिन जो थे ये हल्के थे थोड़े से, वो जो बोरियों वाला टास्क था ना वो मजे का था। उसके बाद नहीं पानी वाला भी मजे का था, लेकिन सबने फॉरफिट कर दिया। फिर वो खेल नहीं सके ना, उसको मोमेंटम बरकरार नहीं रख सके। Moving on to आमना जी, कभी मैं कभी तुम। जल्दी है तुम कहाँ? कभी मैं कभी तुम continues to देखे मैंने कितना अच्छा आपको flummoxed word बताया. अब नहीं flummoxed हुई मैं, लेकिन देखे bemused तो गलत हो जाएगा, उल्टा आपने कह दिया. Yeah, not amused, no, engaged, continues to impress. वो क्या होता है? With her heart string, with her क्या होता है वो? Tug at the heart string. Tug of the heartstrings. Yeah. So lovely 2 episodes, very enjoyable, and again great writing, really good direction. जितना evolution हो रही है हर character की, आप हर scene enjoy करते हैं. You're like committed to watching every scene. I mean, of course, I mean it starts and ends with Mustafa and Sharjeena. उनकी हम तारीफ बाद में करते हैं. मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मैंने इस बार जो चीज़ नोटिस की, जो कि मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी, कि यूजुअली जो हमारी ड्रामों की वैम्प्स होती है ना, वो बड़ी सिंगल ट्रैक होती है. Yes. तो ये जो नईमा किरदार प्ले कर रही है रबाब का, ये इंटरेस्टिंग किरदार. बिल्कुल बिल्कुल. ये मज़े का किरदार है, क्योंकि वो जो उसकी आपने पिछली बार बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया था कि इसके मियाँ के बारे में क्यों किसी ने कोई बात नहीं की. हाँ. क्योंकि ये एलिटी है, तो एलिटी तो तब तक नहीं होते जब तक ये मिडिल क्लास ये की जाए ना. तो इस बार उन्होंने पूरा सीक्वेंस आपके नाम कर दिया. उन्होंने कहा ये ले, आमना आपको हौसला हो गया तो ये ले. उन्होंने कहा एग्जैक्टली वही बातें कि ट्रॉफी हस्बैंड है एंड शी सो लाइक यू. एंड यू नो दिस इज आयरॉनिक बिकॉज नॉट आयरॉनिक बट फनी बिकॉज आप पिछली बार कह रही थी कि ये नहीं हुआ, और पूरा इस बार सीक्वेंस वो आया. Yeah. और वो जो लड़की है दूसरी जो उसकी दोस्त है, वो काफी मतलब क्योंकि उसका अपना मियाँ का, उसके बाद जब हमने सीक्वेंस देखा कि मुझे शर्टें फंस रही हैं ये वो, और वो कहता है कि चलो आप मैं गाड़ी निकाल लूं. I totally get her, Natasha, I understand what you're saying. मॉन्स्टर के साथ क्या कहा था उसने उर्दू में, क्या वो देव के साथ. हाँ, देव. Yeah, people will look at me and then they'll wonder why I'm with this guy. Yeah. वो पैसे भी चाहिए उसको. हाँ. मगर पर किसको नहीं चाहिए, जैसा अदील कहता है ना यार, पैसा हो रुबाब का और लाइफ पार्टनर हो शर्जीना जैसे. हाय अदील, मैं सदके जाऊँ सब कुछ ना मिल जाए तुझे. बट सो रुबाब वो पूरी बात सुन रही होती है, पूरी कॉन्वर्सेशन. बट द वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दैट कैरेक्टर इज द कॉन्वर्सेशन शी हैज विद हरसेल्फ. जो अपने आप से बातें करती ना, कम ऑन रुबाब व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आई मीन लुक एट हर, आर यू क्रेजी, यू आर आउट ऑफ योर माइंड. वो कॉन्वर्सेशन मुझे मजे की लगती है कि एक थोड़ा सा आपने ना कुछ उसमें डाल दिया है टेक्सचर एक किरदार में, वरना तो साथ सब ऐसी होती हैं औरतें कि जिनके मियाँ के ऊपर उनको शक है, तो मियाँ ये है तो ट्रॉफी. रुबाब इज एक्चुअली नॉट अ बैड पर्सन, शी इज मे बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हर बैड पर्सन. हाउ? बिकॉज उसने अपने बाप को बड़े क्लियरली कह दिया कि मैं तो इसको, क्योंकि उसकी दोस्त ने बोला कि यार ये तो मिडिल क्लास लोगों से कभी हाथ ना मिलाए, ये तो इनके आगे पीछे जो हो रही है और जो कर रही है वो इसलिए कर रही है बिकॉज शी इज मटीरियल, नॉट मटीरियलिस्टिक. क्या कहते हैं उसको, हुस्न परस्त, कि इसको तो बचपन से खूबसूरत चीज़ों का शौक था, तो इसको ये लड़का खूबसूरत लग गया, अब उसमें अपना बॉय टॉय बना लिया. तो इसमें क्या गलत बात है? तो इसमें ठीक है. हाँ, बात तो ये भी ठीक है, इसमें क्या गलत बात है? नॉट अ बैड पर्सन, यार यू राइट. व्हाट इज रॉन्ग विद दैट इफ शी लाइक्स हैंडसम गुड लुकिंग मैन? What's wrong with that? कंट्रोल तो ना करे ना फिर उसको. ये तो कंट्रोल फ्रीक तो गरीब भी हो सकती है और अमीर भी हो सकती है. That's not because of her riches. कहता है she's an arrogant. My wife is an arrogant control freak. Oh, buddy, you knew she was an arrogant control freak when you married her. सांस ले रहा हूँ मैं. अदील बहुत क्यूट है. अदील पे आते हैं. अदील बहुत क्यूट है, लेकिन रुबाब की आपने बिल्कुल सही बात की. There is dimension to her character. She's not a single track नहीं है. She's not a flat character कि अब ये बीवी है और ये अमीर है तो ये ऐसी होगी. नहीं, आप दिखा रहे हैं कि वो she is also a disturbed person. She's on medication. वो अपने nerves को सूद करने के लिए anti-anxiety medication लेती है. वो वाकई she wants, ठीक है control freak है whatever, but she's insecure. So she's basically a सूट कैसे लेके पहुंच गई ना. कोई और जो होती अमीर वो कभी भी ना जाती, स्नूपी होती कि मैं वो कहती वहां जाके ये मेरी भी तो मम्मी है, बकवास कर रही है वो, लेकिन जो हाँ लेकिन चली गई है. बेसिकली शी सेड बिकॉज़ आई लव यू अदील एंड आई वांट टू बी जहां भी तुम हो वहां पे. अच्छा, अब मुझे इसका डिसीजन बताएं कि हाउ द ऑब्वियसली द ओनली रीजन शी इज गॉन देयर इज टू कीप अ चेक ऑन हर हस्बैंड, राइट? या बट शी डज आल्सो लव हिम. शी डज. She loves totally him. Yeah, totally. The fact that she's a control freak and she's arrogant is part of her personality. लेकिन उसकी जो emotions हैं दिल के लिए, they are absolutely. But दो चीजें हैं ना, एक तो है कि वो control freak है इसलिए उधर गई है, और एक ये है कि वो उसे मोहब्बत भी करती है. मुझे लगता है वो खाली कंट्रोल फ्रीक है, नहीं अभी तक मोहब्बत शब्बत नहीं है उसको, उसको है कि मैंने इसको बस ये जैसे वो कहते हैं ना पोजेशन है, एक उसका एक प्राइस पोजेशन है और वो उसको बस अपने आप रखना चाहती है, सजा पुजा के अपने पास अपनी तरह से। मेरा नहीं ख्याल कि उसको वो जेन्युइन मोहब्बत देखिए जो मोहब्बत इधर हम देख रहे हैं ना, हर इंसान की ना मोहब्बत की कैपेसिटी भी फ़र्क होती है और मोहब्बत का एक्सप्रेशन भी फ़र्क होता है। जिस दुनिया से वो आ रही है, जो जिस हालात की वो बाई प्रोडक्ट है, जैसी उसकी परवरिश हुई है अकेले माँ बाप के अलावा, नो 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 बट वी हैव टू सी इट फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव। शी लव्स हिम, शी हैज सेड नथिंग to even indicate that she doesn't love him and she's just control freak or iski looks bahut achhi hai, there's nothing to indicate that, indication puri ye ki she is loving him the way she knows and understands love, because Amna, when you love someone I think thoda sa aap breathing space thoda sa unko de dete hain, diya hai na aage ye wo khud, ha isliye wo khud breathing space nahi diya, uska jo breathing space tha wo bhi usne chheen liya, wo wapas udhar bhi aa gayi hai jahan pe उसको breathing space मिल रहा था। अब सुबह सुबह उसने कहा जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ और वो चला गया कॉफ़ी बनाने, और वो फेंट रहा है कॉफ़ी और वो देख रहा है कि मुस्तफ़ा के लिए चाय बनती भी जा रही है और वो अपनी बीवी के लिए कॉफ़ी फेंट रहा है, तो ब्रीदिंग स्पेस ले लिया उसने उसका। तो जो जो जेन्युइनली आपसे मोहब्बत करता है वो आपको कहता है ठीक है यार कुछ दिन गया ओके नो प्रॉब्लम, फिर आप जेन्युइनली पाइन करते हो, एक दूसरे के लिए मिस करते हो और फिर आप जाते हो। ये गई उधर इसलिए है कि उसने वो कॉन्वर्सेशन सुनी है। अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी उम्र का जो है ना आपके ऊपर वो डालूंगी, रोब डालूंगी कि अभी आपको मोहब्बत की समझ नहीं है, नहीं अभी आपको एक ही किस्म की मोहब्बत की समझ है जिसमें आपने मर मिट जाना है और स्पेस देनी है, और वो एक आइडियल ऑफ मोहब्बत जो है ना, परफेक्शन ऑफ मोहब्बत, वो आपके जहन में है आप, क्योंकि आप छोटे हैं, मगर जब आप बड़े होंगे तो आपको ये एहसास होगा कि मोहब्बत की बहुत सी इकसाम है और उससे आप ये नहीं कह सकते कि अगले बंदे को मोहब्बत कम है या ज़्यादा है। मोहब्बत का उसका कैपेसिटी हर इंसान की फ़र्क होती है, और मैं कई दफ़ा ये कहती हूँ कि शायद मेरी जो कैपेसिटी 100% हो वो अगले बंदे की 10% भी ना हो, मगर वो अपनी पूरी दे रहा है, अपने लिहाज से वो पूरा दे रहा है, मगर उसकी बिल्कुल एक्सप्रेशन और उसकी मोहब्बत करने की तरीका अलग है। सही क्या है गलत क्या है वो हम कह सकते हैं कि जी ये गलत तरीका है, मगर आप उसकी नीयत को मैं अभी मैं शक नहीं कर रही उसकी नीयत, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन जब आप इस तरह के किरदार को टेलीविजन, जिसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी हमें पता है और हम उसको ऑफ अदील भी देख रहे हैं दूसरे लोगों के साथ उसकी डायनामिक को, वो एक ऐसी बंदी लग नहीं रही कि जिसको कंट्रोल फ्रीक होने के अलावा भी कोई इमोशन उसके अंदर कुछ मुझे नज़र आया हो, अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। मुझे जो उसके अंदर नज़र आया इमोशन वो पोजेशन का ज़्यादा है, पोजेसिवनेस का ज़्यादा है एज अपोज टू मोहब्बत। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मोहब्बत होती है वो करने का तो तरीका फ़र्क होता है, बट किसी के लिए मोहब्बत में जाना और किसी के लिए इसलिए जाना कि ओके आई हैव गॉट टू कीप एन आई ऑन दिस डूड, और वो एक दो बार डायलॉग उसने अपने आप से बात की भी है कि हाँ तुम्हें छोड़ दूँ मतलब, एंड हाँ सो टू लीव यू अलोन हियर विद शर्जीना और व्हाटएवर शी सेज दोज थिंग्स, सो इन एट द बैक ऑफ हर माइंड देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई कांट लीव हिम अलोन हियर विद दिस चिक बिकॉज he's going to be up to something. So I see her as a girl who was estranged by her parents, जिसकी माँ जो मर जाती है या डिवोर्स हो जाती है पेरेंट्स की। आई सी अ लिटिल गर्ल हु इज़ फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड हु इज़ एस्ट्रेंज्ड बाय हर पेरेंट्स, बाप भी चला गया, खुद से पली बड़ी स्ट्रॉन्ग गर्ल, अपना बिजनेस चलाती है, बट जिस लड़के से 4 साल से प्यार कर रही थी छुप छुप के, उसने आके बोला मेरी शादी हो रही है, एंड शी ब्रोक डाउन एंड शी से व्हाट डू यू मीन यू आर मैरिंग, मैं तुम्हें नजर नहीं आया मेरा प्यार मेरा सब कुछ। रियली सॉफ्ट आई डू रुबाब, आई वंडर व्हाई इतना जो आपका सॉफ्ट स्पॉट है रुबाब की तरफ, क्या आप अपने आप को तो नहीं रुबाब में देखती? मैं अपने आप को देख सकती हूं रुबाब में, तो मैं हां नो एंड देन शी इज लाइक यू नो सो शी मैरिड, और अभी भी जब वो कह रहा है कि शी सेड ओके लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट एंड ही सेड मूड नहीं है, तो शी स्टेप्स बैक अ बिट कि अच्छा नहीं, फिर वो जब आ जाता है, जब कहती है कि यू नो ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट ऑल गुड बिकॉज द वन इंडिकेशन ऑफ अ मेन थिंग दैट शी डिड वाज कि जब माँ फ़ोन करके बताती है कि बाप का हुआ है तो शी हैंग्स अप एंड शी डजंट टेल हिम, सो मीन स्ट्रीक है उसके अंदर, बट मीन स्ट्रीक आई थिंक इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हर अपब्रिंगिंग एंड सर्कमस्टांसेस जो कि हमेशा होती है, दैट्स नो एक्सक्यूज मीन स्ट्रीक है उसके अंदर, मगर प्यार वो करती है इससे इन हर ओन सॉर्टेड वे। चले आगे चल, अदील नहीं करता है? अदील नहीं करता इससे प्यार बिल्कुल भी, वो ब्लैक एंड वाइट है कि उसको कोई मोहब्बत नहीं है रुबाब से, उसके लिए इट इज़ द स्टेटस एंड द मनी दैट ही हैज़ मैरिड हर फॉर, देयर इज नो मोहब्बत देयर। लड़की के दिल में मोहब्बत है, उसके दिल में मोहब्बत नहीं है। अदील मोहब्बत लेकिन शर्जीना से करता है। नहीं नहीं, मोहब्बत शर्जीना से भी नहीं करता है। अरे नहीं हसन बिल्कुल ही भोले हो, मासूम हो, खुदाई कसम। दाढ़ी उतार के तो बिल्कुल ही पप्पू बच्चों वाली बातें। मोहब्बत के ना दर्जे होते हैं। अदील इज एन अपॉर्चुनिस्ट। He is, but शर्जीना की तरफ जो आम अल्फाज में जिसको हम कहते हैं प्यार है या ओहो हेलो फीलिंग्स, he has some degree of feelings for Sharjeena, that which is why he is acting like that. It's not just earlier I thought के जो अदील का, this is very interesting because you know इतनी सारी layers निकलती हैं और हर एक का देखने का अलग perspective है, which is great. आप अलग perspective से देखने में ऐसे देख रहा हूँ, शायद लोग अलग से देख रहे हो। मुझे लगा था कि अदील शुरू में बिकॉज वो इतना इगोइस्टिक है, उसको ये बड़ी मार खार हुई है कि यार कि इसने मुझे छोड़ के और लूजर सी उससे कर ली है। बट ये जब उसने डायलॉग बोला ना कि पैसा रुबाब जितना हो और लाइफ पार्टनर शर्जीना जैसा हो, तो वहाँ पे मुझे फील हुआ कि जब वो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो शर्जीना और मुस्तफ़ा का एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है और अब अपनी आंखों से वो देख रहा है, तो मे बी ही इज सॉर्ट ऑफ फीलिंग दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन दैट, यू नो दैट could be me and Sharjeena having our life or having our moments. He just wants the best of both worlds. He is very, so he is a very for to be able to do that, she needs to have certain amount of thing with Sharjeena, na? Otherwise why isn't he having that with Rubab? Because Rubab is not like Sharjeena. Because उनकी personalities फर्क हैं. He wants her that money and that. एक तरफ आप कह रही हैं कि रुबाब आ गई है उसके लिए. अगर रुबाब उससे मोहब्बत करती है और अगर ये रुबाब से मोहब्बत करता होता तो they would have made it work. मैं तो कह रही हूँ ना कि वो रुबाब से मोहब्बत नहीं करता, तो शर्जीना से भी नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई हेड ओवर हील्स इन लव विद शर्जीना है, बट उसका वो रोमांटिक भी नहीं, क्या होता है वो एक इंक्लिनेशन, ये वाली इंक्लिनेशन है शर्जीना की। वो मेरे ख्याल से इंतहाई खुदगर्ज इंसान है, उसको नजर आ रहा है कि ये पैसा और स्टेटस है। उसको क्या ऑफर कर रही है शर्जीना जो है? शी इज अ रियली आइडियल लाइफ पार्टनर जो सपोर्ट कर रही है अपने मियाँ को, उसका ख्याल कर रही है। हाँ। और अदील जाके उसके पास बैठता है एंड ट्राइज टू स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन विद हर, व्हाट इज ही वांटिंग आउट ऑफ हर? He just wants to tell her, because as every selfish man will do, to impose on her. In that moment when he goes and sits with her, I think he was trying to, like, you know, make a move on her. That's what I felt. No. And he was, until he sees his brother in the TV screen, and he looks at the brother, and then he changes his entire conversation. That's how I perceive that scene. No, I think that he was not going to make a move on Sharjeena at all. I think by move I don't mean a physical move. No. What I meant was that wo. I think being the narcissist that he is, he just wanted validation that Sharjeena किसी तरीके से ये कह दे कि हाँ मेरे साथ बुरा तो हुआ है. That's all he wanted to hear. That yes. Why did he say all of that while Mustafa? He knew Mustafa was listening. Because he also wants Mustafa to feel bad. Huh? Because Mustafa is right now in a very good position. He wants him to feel bad as well. But then he मिस्तापन कर रहा है ना वहाँ. But वो अपना आप खोल भी तो रहा है मुस्तफ़ा के सामने. कि मैं ऐसा हूँ, देखो मैं तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बारे में। He knows what chord to strike. He knows कि मुस्तफ़ा will feel bad and insecure and small जब मैं कहूँगा कि तुम इतनी intellectual और इतनी ये वो, और तुम देखो किताबें कैसी पढ़ती हो और तुम MBA भी कर रही हो और मेरा भाई तो 12वीं पास है मुश्किल से। उसने बेसिकली apology वाला एंगल डाला। हाँ। जब वो देखता है, हाँ। I want to apologize to you. Exactly कि मैंने बड़ा बुरा किया। मुस्तफ़ा को ये लगे कि मैं सिर्फ apology के लिए कर रहा हूँ। He is very smart, वो बड़ी reverse psychology चला रहा है। आप लोग बताएं, दो सवाल इकट्ठे हो गए। पहला सवाल ये कि क्या रुबाब अदील से मोहब्बत करती है, प्यार करती है, या वो उसको सिर्फ एज अ प्राइज पोसेशन देखती है और उसका उस पे जो कंट्रोल करना है वही उसका एम है? दूसरा, अदील शर्जीना की तरफ क्या इमोशन फील करता है? क्या वो अदील शर्जीना से प्यार करता है, या अदील शर्जीना को, आप क्या कह रही हैं कि वो No, he sees what her value is. He sees her value as a partner, that she's somebody who is very subservient. Subservient is a wrong word. Somebody who's very accommodating and kind. तो प्यार ही होगा and income. क्या नाम इस प्यार इसको क्या नाम दूं? इस रिश्ते को क्या नाम दूं? इस रिश्ते को क्या नाम दूं? No, it's just calculated. इस इमोशन को क्या नाम दूं? Calculated. आप कह रहे हैं कि it's devoid of emotion. Yes, I'm saying it's. I don't think it's devoid. It's very calculated. It's like, okay, she's pretty cute. She's वो कहता ना कि उसकी लुक्स की भी बात करता है कि इतनी प्यारी और ये वो उसको मिल गई, you know? अपनी बीवी को कहता है कि वो look at you and look at her. हाँ, is there any comparison? Baby is feeling insecure because Sharjeena is cute. Sharjeena reads the right books. She's doing her MBA. She's also doing a job. She's also taking care of the house. आमना कह रही है, मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उसका इमोशन है ये थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मोहब्बत आशिकी है उसे, बट उसमें थोड़ा बहुत ये वाला एलिमेंट भी है कि वो जिस किस्म का वो बंदा है उसने कोई देख के ही मंगनी की होगी ना शर्जीना के साथ। मैंने आपको एग्जैक्टली ये बात की थी। हाँ, क्योंकि वो मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत प्यार व्यार कुछ नहीं है। मोहब्बत की डिग्रीज होती है ना आमना, पहले की कोई भी डिग्री नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि कोई भी डिग्री नहीं है। आप क्या आमना ये कह रही है कि भाई उसका सिर्फ ना उसकी एक कैलकुलेटेड मूव है, वो उसका था कि पैकेज बहुत अच्छा है, ये पैकेज अच्छा बस। हाँ। उसको इमोशनल है। हाँ चलो इस तरह कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि अदील की शर्जीना की तरफ कोई इमोशनल अटैचमेंट है या नहीं है? आमना कह रही है कि वो इमोशनल नहीं है, वो सिर्फ है कि एक मतलब कि ये लड़की जो है ये मेरे सेट में मैथमेटिकल इक्वेशन में सही बैठती। हाँ, मेरी एज अ वेरिएबल सही है। अगर मेरे पास पैसे होते तो ये बड़ी परफेक्ट लाइफ पार्टनर होती। ठीक है। हाँ। तो शायद एंड में प्यार हो ही जाता 8 से 10-20 साल बाद। मुस्तफा की तरफ है, क्यूटी पाई की तरफ। मुस्तफा क्यूटी पाई की तरफ को मैं ये कहना चाहता हूं, मुस्तफा दिल दिल मुस्तफा जान, हिम्मत ना हारो मुस्तफा जान, जान मुस्तफा जान। हां मुस्तफा बहुत नाउमीद ना मुस्तफा यार। रात पूरी बैठ के एक बंदे ने उसकी असाइनमेंट की है यार, असाइनमेंट की है शहजादा। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि द गुड थिंग अबाउट द स्टोरी इज कि मुझे सुबह तक यकीन नहीं था कि ये कर सकेगा कि नहीं। लो नहीं मुझे ये था नहीं मगर ये कर सकता था ना कि मैं सब कर देता। उसने कहा हम रातों में उठने के शहजादे तो सोते ही नहीं। मुस्तफा यार मुस्तफा बहुत अच्छा आदमी। मुस्तफा का जो ना एक साइड लुक और एक ग्रिन जो होती है, चीकी ग्रिन, वो बड़ी क्यूट है। शुरू में जो वो देता है, जब वो क्या लेके आती है, वो एक सीन था बड़ा प्यारा जब उसको हक करती है उसके बाद, और वो हक करती है और वो जो यूं देखता है कि थोड़ा क्या हुआ है, अनकंफर्टेबल भी होता है बट वो महसूस अच्छा भी लगता है। अब वो प्यार है, अब ये प्यार है। ये जो मैं जो आप भी बात करें इसको मैं समझता हूँ कि हाँ मुस्तफा के दिल में शर्जीना के लिए मोहब्बत है। हाँ। और शर्जीना के दिल में भी मुस्तफा के लिए मोहब्बत है, वो तो एडमिट करती है, हो रही है पैदा, उसने एडमिट किया है। जो अदील के साथ उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन होती है उसमें वो एडमिट करती है बिल्कुल कि मुझे इस तरह लाइफ पार्टनर चाहिए था, मेरा सोलमेट बोला उसने, सोलमेट बोला उसने। हाँ तो मुझे मैं इतना प्यार कर, लेकिन काश के बातें सुन लेता हूं, लेकिन वो सुनी नहीं उसने। तो एक बार मुझे हुआ कि यार नहीं सुनी, बट उसने नहीं अच्छा नहीं सुनी, कहानी आगे तो चलनी है ना इसमें, हम ओके यार कहानी आगे चलनी है और जब एक्चुअली उसको पता चलेगा फिर कितना मजा आएगा। वेट फॉर इट, आई एम ओके विद दैट, आई एम इन फॉर दैट, या for whatever happens. But the hug was really cute. The hug was really cute. It was affection as well, and yes, there was so much love for Sharjeena. Also, there's also a feeling of self-worth that gives him that like room for love. Self-worth है ना कि अच्छा मैंने कुछ किया है इसके लिए, इससे मुझे आगे से जब भी मारी है, ये मुझे इस काबिल समझती है, and you know मैं किसी के काबिल हूँ, and we're so good together. There's also that feeling of self-worth that amplifies the love. लेकिन कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स हैं। हाँ जी, मुझे कल समझ में नहीं आया जी। वैसे तो शायद हो सकता है मुझे बिल्कुल ही, मैं और टेंजेंट पे हूँ, आप और पे हो, सब और पे हो, लेकिन एक चीज़ जो मुझे वाकई में नहीं समझ में आई, जब मुस्तफा पूरी कॉन्वर्सेशन सुनता है बिटवीन अदील एंड शर्जीना, उसने शर्जीना का पर्सपेक्टिव तो नहीं सुना, नहीं, देन व्हाई डज ही थिंक व्हाटएवर ही थिंक्स? बिकॉज वो खामोश होती है, वो खामोश होती है जब वो कह रहा होता है। का मतलब हाँ या ना तो नहीं होता, नहीं, लेकिन वो आगे से ये नहीं कहती कि बकवास कर रहे हैं, बाद में वो कहती है, बट वो पार्ट वो नहीं सुनता। उसने जो सुना है वो ये सुना है कि जो उसने अपने भाई को सुना है, शर्जीना को नहीं। हाँ, लेकिन भाई तो ये कह रहा है ना कि भाई इज स्टेटिंग द फैक्ट्स कि तुम इतनी पढ़ी लिखी, मुस्तफ़ा 12वीं पास, फैक्ट है, इसमें कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं है, तुम नौकरी भी कर रही हो, MBA भी कर रही हो, मुस्तफ़ा ने अब से कुछ नहीं किया, फैक्ट, तुम इतनी गो गेटर हो, एम्बिशियस हो, मुस्तफ़ा तो इज़ अ लेजी बम, फैक्ट, ही इज़ स्टेटिंग द फैक्ट्स, इसमें आप इमोशन निकाल भी दें, ही इज़ स्टेटिंग द फैक्ट्स एंड मुस्तफ़ा इज़ रियलाइजिंग दैट या ही माई ब्रदर इज़ राइट। कड़वी बातें हैं लेकिन सही कह रहा है, इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है और इसने जो किया है शादी मेरे से, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया और अब जो मेरे साथ गुजारा कर रही है वो क्या कहते हैं, वो कौन सी शादी होती है कॉम्प्रोमाइज़ को क्या उर्दू में बोलते हैं, कहते हैं नहीं, रेड बताएं मुझे, वो जो अक्सर लोग कर लेते हैं जो शादी कर भी नहीं सकते वो भी कर लेते हैं। नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ आप, नहीं नाम बताएं, बट लफ्ज बताएं। वो वाली शादी होती है वो होती है नहीं, एक लफ्ज होता है ना। हाँ नहीं आ रहा मेरे ज़हन में, चलो ना मुझे कॉम्प्रोमाइज तो कॉम्प्रोमाइज़ किया है मेरी बीवी ने। अब ये चीज़ें, ये सीन दो तरीके से एंड हो सकता था। वन वे कुड हैव बीन कि वो शर्जीना को जाके कहता कि ये तुम समझती हो, गुस्सा करता और उसको कहता कि यू नो तुम भाई के साथ मिलके और तुम्हें रिग्रेट हो रहा है अब मुझसे शादी करके। एग्जैक्टली, सेंसिबल राइटिंग, सेंसिबल राइटिंग। ही डजंट टेक दैट रूट, ही गोज़ बैक एंड ही थिंक्स कि यार मेरा भाई सही कह रहा है, बिकॉज भाई से वो प्यार करता है। ही डजंट हैव अ मीन बोन इन हिज बॉडी, दैट्स द थिंग अबाउट मुस्तफ़ा। जब भाई अपनी तोप जितनी बड़ी गाड़ी में खड़े कहता है गेट खोल दो, कहता है अच्छा यार भाई खोलता हूँ, यू नो उसके अंदर मीननेस है ही नहीं। मैं बंद भी कर दूंगा, बंद भी कर दूंगा। शर्जीना कहती है कि तुम क्यों बंद करोगे, चलो। ये ऐसी होती हैं बहुएं, हैं लड़वा देती हैं भाइयों को। वो कहती है तुम क्यों करोगे, वो यू नो उसके अंदर तो कोई मीननेस है ही नहीं। तो या तो वो जाके ये कहते हैं एक्चुअली समझौता, समझौता। गुड गुड आमना, वेल डन। समझौते की शादी होता ये है कि ऑब्वियस जो हमने देखा है हुआ ये है कि वो लड़की से उसने जो आपने कहा ही डजंट हैव अ मीन बोन इन हिज बॉडी, तो उसने जब देखा लड़की बेचारी उसने शादी कर ली। अब शादी के बाद जब दोनों का जेन्युइन एक रिश्ता बनता जा रहा था, भाई की तरफ से एकदम उसे रियलिटी चेक मिला कि शी इज टू गुड फॉर मी, यू नो शी इज आउट ऑफ माय लीग, ये मुझे मिल गई है। तो ये बिकॉज वो कॉम्प्रोमाइज उसको देख रहा करते हुए, माँ के खाने भी बना रही है, भी करी, वो भी कहता है तुम अब्बा के लिए खाना भी लो, वो फैट बनाओगी। उसको ये लग रहा है कि उसके साथ भी है वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, समझौता कर लिया उसने, बिकॉज मोहब्बत नहीं करी उसने। तो नहीं वो बातें सुनी सोलमेट वाली, तो उसने इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट कॉन्वर्सेशन। दैट वाज, दैट कॉन्वर्सेशन सर्व जस्ट एज अ यू नो रियलिटी चेक। That was it. Exactly, and Adeel was smart enough to word it perfectly. और इसीलिए उसने वो वाला रूट नहीं लिया, दूसरा वाला जो आपके कि भाई के साथ ही। Yeah, बुरी राइटिंग होती तो ले लेता, चुपेड़ पे पेड़ भी मार देता, मगर अच्छी राइटिंग है तो उसने नहीं लिया। उसने अब यही कहा कि इसीलिए तो मुस्तफा लवर बॉय है ना हमारा। मुस्तफा लवर बॉय, not a हमारा नहीं लवर बॉय है, but generally he is just a good guy. Cutie है, cutie. हाँ, but yeah, both the writing and the direction are really good. I mean जो scenes create होते हैं ना सारे, वो सीन जब अदील अपनी कॉफ़ी लेके टेरेस पर खड़ा होता है, and he watches him go, yeah, the expression on his face, and Imad has performed him really well. Imad has done such a fantastic job. He's so good. I think all four of them have done a really good job. They are so well, Naima as well. And हानिया के तो इस बार बड़ा हानिया का बड़ा वो जबरदस्त सीन था इमाद के साथ, वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी। Absolutely. और फिर उसके बाद जब वो आके मुस्तफा को कहती है ये मूंगफली लाए हो, तो ये तो ठंडी हो गई है। अच्छा क्या हुआ है, वो खुद ही लाया, खुद नहीं खा रहे। अच्छा क्या, सो नेचुरल she says, does she performs with such ease, it's so natural. There's only one thing that I have to say to Hania, and that came forth when वो अदील से बात कर रही होती है, that जो है ना the accent, the American accent that comes in when she puts in a word or two, it's very unnatural. वो नहीं आना चाहिए, and that's Hania's, that's not Sharjeena's. वो नहीं आना चाहिए, एक्सेंट्स पे, वॉइस मॉड्यूलेशन पे। हो सकता है यार वो ब्रेकिंग बैड और ये सब कुछ बहुत देखती हो। नहीं, आर्टिफिशियल लगता है। फ्रेंड्स बहुत देखा उसने। नहीं, सही नहीं लगता। As Sharjeena वो सही नहीं लगता। You can't have an American accent when you're yeah. You can't. ये सीन और उससे पहले जो वो पूरा रात वाला सीन था बड़ा क्यूट था, जब वो होमवर्क अपना सो रही होती है, उंगली ले रही होती है, फिर आता है। और उसके बाद जब हक की तो हमने बात कर ली है इन द मॉर्निंग, जब नहीं वो जो सुबह कहते छोड़ने जाता है तो कहता है स्माइल, मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। अच्छा, अम्मी को मुझे कहती हो अम्मी की बातों को दिल पे ना लो, खुद कहते अम्मी की बातें नहीं अदील की बातें। और मुस्तफ़ा इज़ एक्चुअली यू नो अगेन रियली गुड राइटिंग, 360 डिग्रीज ऑफ अ कैरेक्टर। इन चारों कैरेक्टर्स के जो आर्क्स हैं ना वो बड़े होलसम हैं, वो कोई भी निगलेक्टेड कैरेक्टर नहीं है कि इसको एज अ साइड कैरेक्टर लिखा है। तो ये चारों आपके बड़े पिवटल कैरेक्टर्स हैं। मुस्तफ़ा एक अच्छा इंसान है और एक बड़ा फेयर इंसान है। वो जब कहती है कि ये क्यों आ गए हैं, हम ख्याल रख लेते हैं और इतना रश लग गया है घर में, तो वो कहता है अब्बा का घर है शर्जीना, ये भाई का भी उतना ही घर है जितना भाभी का है, जितना मेरा है, जितना तुम्हारा है। अपना हम मैं अगर इस काबिल होऊंगा तुम डिसाइड करना कौन आएगा कौन नहीं आएगा। बड़ी फेयर बात करता है वो। यार ये इनके मोमेंट्स बड़े क्यूट हैं। अब ऐसे मोमेंट्स हों और उसको कुछ हो जाए तो हमारा तो दिल बंद हो जाएगा ना। हाँ, तो वही बात है। सो गोइंग बैक टू हम दोनों हियर फॉर अ मोमेंट, जब लीड पेयर के बीच में या रोमांटिक आप एक कपल हमें दे रहे हैं उनके बीच में कोई मोमेंट ही नहीं और लड़की रोए जा रही है बंदे नहीं के बारे में, अगर तो मुस्तफा अब एक्सीडेंट होकर फ्लैट लाइन करे हम तो धरना कर देंगे जाके। एग्जैक्टली सो नहीं, इन चारों में से कोई भी, इन चारों के साथ हम जुड़े हुए। मुझे जो रुबाब है वो बुरी नहीं लगती, बुरी। मैं तो आई कंप्लीटली लाइक आई डिड विद मुबशरा You are seeing yourself in Rubab, na? I don't see myself in Rubab. No, no. You do. You no, see, no. वो तो आपका. But I understand her. Like I understand Mubashira Jaafar. I did. I don't hate Rubab. Usually you end up hating such characters. I don't feel annoyed by her. With her, and I don't hate her. I totally get it. And I have started liking Adeel. वो जो वो कह रही है कि मुझसे मोहब्बत करता था तुमसे तो under family pressure. She knows that's not true. She knows that's not true. So in her head, she's come after this boy who may be interested in this other girl, and she's feeling insecure. It's a very natural phenomena. अच्छा, Fahad and Hania have made a really good on-screen couple. They have. है ना तो फिल्म उन्होंने की थी ना नामालूम अफराद 2 में वो बहुत छोटा रोल था आनिया का उसके अंदर हाँ किया था बट अच्छा दोनों का अच्छा है बहुत अच्छा दोनों फिल्म में साथ आए तो मजा आएगा बहुत अच्छा है नाउ अ वर्ड फॉर अदील्स वार्डरोब ओह वाह ऑलराइट गैलस वाला गैल इज सस्पेंडर्स एक तो ये है कि अदील की बड़ी खूबसूरत ना इट्स गॉट अ वेरी एलीट काइंड ऑफ अ शीक कलर टोन्स में वो चल रहे हैं जो नाइट सूट हैं कहाँ हम कंप्लेन करते हैं कि जी ड्रामों में कैरेक्टर्स अपने पूरे दिन के कपड़ों में सो जाते हैं अदील जो है उसके पास हर रात के लिए फ़र्क नाइट सूट है पहले दिन जब वो उठता है तो ही इज़ वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट विद वाइट ट्रैक पैंट्स उसमें वो सोता है अगले दिन ही हैज़ अ पजामा सूट सो वेल डन अदील एंड देन ही इज़ गॉट अ रियली नाइस वार्डरोब यू नो अपने वो मोनोक्रोम्स में चल रहा है ब्लैक वाइट ग्रे लाइट ब्लू पाउडर ब्लू के लिए वाइट सलवार कमीज इस्त्री करती है जुम्मे के लिए नहीं पहनता वो कहती है तुम अच्छे लगते हो वाइट हां पर मुस्तफा तो बिल्कुल उसमें भंगी हालत में फिर रहा होता है ना देखो की है ना एपिसोड खत्म हो गई अगले एपिसोड में पहनेगा जुम्मे के लिए पहनेगा मेरा नहीं ख्याल पहनेगा महलों से पहले इनकी लड़ाई शराई हो जानी अब बताएं होगा क्या नहीं मैं अभी अदील के वार्डरोब पे थी अदील ने एक लेकिन पफर जैकेट जो पहनी थी मुझे समझ नहीं आई कि बाकी सब फ्लोरल की हाँ तो मूंगफली लेके आया सर्दियों में शूट हुआ था ना वो वाला शूट शॉर्ट सर्दियों में था तो वो मूंगफली तो लॉन लेके आया बाकी लॉन में धुआं भी निकला आई थिंक मुस्तफा के मुंह से शर्जीना कॉटन उसके मूंगफली वाला सीन होता है उसके फौरन बाद वो पफर जैकेट उसने पहनी होती है राल्फ लॉरेन की तो फिर मैंने कहा कि यार इसका मतलब सर्दियों में शूट हुआ मूंगफली तो सर्दियों में आती है लेकिन शर्जीना ने लॉन पहनी हुई है तो समझ नहीं आ रही मुझे लेकिन कराची में कौन सा कोई बर्फबारी हाँ ठीक है मैम I'm not complaining what I'm saying is that aesthetics and are so important that it's just the frames are enjoyable you know everything you enjoy watching so ये बड़ा अच्छा है very enjoyable जी आप क्या कह रहे थे अब मैं कह रहा था अब आपको क्या लगता है कि ये फहद और सॉरी मुस्तफा फहद क्योंकि मुस्तफा और शर्जीना के बीच में ये फड्डा बड़ा फड्डा है होगा बड़ा होगा थोड़ा नहीं यार मैं नहीं चाहता बड़ा थोड़ा सा नहीं तो कहानी आगे कैसे चलेगी कॉन्फ्लिक्ट कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट तो आना है ना बड़ा फड्डा ना है ना कॉन्फ्लिक्ट तो आना है और बाय द वे लोगों ने कहा कि ये शिफ्ट होंगे अम्मा पापा बड़े लोगों ने कहा कि ये दोनों में दिखाया हुआ है हाँ देखिए मेकअप भी तो लव होना है ना फिर मेकअप लव भी अच्छा होगा मेकअप सीन सब तो वो देंगे तो फिर ही मजा आएगा उनके फड्डा तो होगा बिछड़ने के लिए क्या था वो शेयर मिलने के लिए बिछड़ना हाँ जरूरी है तो वो तो अच्छा होगा लेकिन अभी खाना बनाएगी अगले एपिसोड में दावत करेगी शर्जीना और व्हाट विल रुबाब डू गिव हर मनी और समथिंग आई डोंट नो जिसमें वो कहती है कि आप मेरी तारीफ नहीं कर रही हैं आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं तोहफा तो ले लेना चाहिए पैसे नहीं देते ना वो तो बड़े बुजुर्ग देते हैं ना कि अच्छा बेटी ने खाना बनाया बेटी ये लो 5000 बहुत अच्छा खाना बनाया बहुत शाबाश बेटी वो ले लेना चाहिए लेकिन अगर आपकी क्या होती है जिठानी होगी ना जिठानी अगर आपको पैसे दे दिए गए तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया तो थोड़ा वियर्ड हो जाएगा बट होता है ऐसे आप बट डिपेंड्स हाउ शी फील्स अबाउट इट ना जिठानी और नंद भी एक दूसरे को देते हैं ऐसे नहीं आई डोंट नो सिद्रा का कैरेक्टर भी अच्छा है सिद्रा इज आल्सो गुड है बट आई लाइक इट थोड़ा सा उसमें यूनिक एलिमेंट है नहीं जो उसने जो सीन्स थे इमाद के साथ अच्छे थे मुझे लगा कि वो थोड़ा एक दो नॉचेस बहुत नहीं बट उसने सही बात की ना कि ओवरली ड्रामेटिक तरीके से कि शर्जीना जो है तो भाई क्या करती वो आपने क्या किया था वो सही था नहीं एक जगह उसने बड़ा रो के या कुछ इस तरह से चीख के बोला मैंने कहा यार व्हाई शी डूइंग दैट ओके एक्सट्रीमली एंजॉयबल बहुत मजे गए यार ये एपिसोड हम पूरी कभी मैं कभी कर सकते ह्यूज मैं दो दफा देखती हूं ह्यूज शाउट आउट एंड लव to the writer to the director huge shout and love for Fahad Mustafa and Hania Aamir and Naima Butt and Imad Fani absolutely all four of them are really essential and integral to the story and but just tiny bit more love for Mustafa yeah there is Anna is tiny bit sorry no bias baki teen bhi zabardast well done I know शर्जीना के लिए भी tiny bit more. I get Adeel, but I totally, I totally get Adeel. Tiny bit more, but Mustafa. I have a little more compassion for Adeel and Rubab than you do. I kind of understand them, but the thing is that equal for all four. No. फिर भी. So Rubab और Adeel, then Sharjeena, and then yeah. Yeah, that's the love. For sure. Actors के लिए equal love. For sure, but a lot of love and respect for the writer for having written such maturely, and I hope it stays this way. Yeah. P.S. अगर के ड्रामों के साथ हमें अक्सर इख्तलाफ रहता है और उनके जो डायरेक्ट किए हुए ड्रामे हम काफ़ी उस पर शोर मचाते रहते हैं और फ़रस्त इश्तियाक साहब तो हमें हमेशा उनके ड्रामों को बड़ा अप्रिशिएट किया, कहानी को पसंद किया. मेरा उनके जो बाप का किरदार है शर्जीना के उससे इख्तलाफ अपनी जगह वो शुक्र है वो इस दो एपिसोड में आए नहीं. दैट्स व्हाई देयर वाज अ ग्रेट एपिसोड. जब आएंगे वो हम तब बात करेंगे, बट इस बार नहीं है तो जरूरत नहीं बात करेंगे. बाकी नताशा का गम मैं समझती हूँ और एलिटी कोई भी हो भाई एलिटी है ना अगर वो तो उसका आई अंडरस्टैंड वेयर नताशा इज कमिंग फ्रॉम के यू नो उसके मैं असल एलिटी उसका मियां है. एलिटी नहीं है इसका मियां, सिर्फ अमीर है. बड़ा फर्क है. एलीट और रिच में फ़र्क है सर. ये मैं आमना को हमेशा कहता हूँ कि आमना की जैसे आपको मैंने बताया था कि पढ़े लिखने से क्या इंसान नहीं, वो उसके तालीम हासिल करने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता. इसी तरह पैसा होने से एलीट नहीं कोई हो जाता. सो आई अंडरस्टैंड. आई लव इट. आई रियली लव कभी मैं और कभी तुम. आई डोंट नो पहली दो एपिसोड में क्या हुआ था, बट दिस इज सच एन एंजॉयबल ड्रामा. जितने बुरे ड्रामे हैं इस हफ्ते के उन सब पे इट मेक्स अप फॉर. वन ऑफ माई फेवरेट. इट मेक्स अप. पता नहीं कौन, मुझे किसने कॉल किया कि मैं तो नहीं देख रही, तुमने पहली दो एपिसोड के बाद कहा था मत देखना. मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा आई एम सो सॉरी, गो बैक एंड वॉच ऑल ऑफ इट 2 times बिकॉज पहली दो एपिसोड थी जरा सी और 8 million trending in India and trending in India and Pakistan. Fantastic, and for good reason. Fantastic. चले यार फहद और हानिया के साथ एक स्क्वायर टेबल हो जाए. फहद अगर आप देख रहे हैं और हानिया अगर आप सुन रही हैं देख रही हैं और फहद आप भी सुन रहे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे साथ स्क्वायर टेबल कर ले मेरे और आपने. And until इतना प्यार करते हैं. Until then, अगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स जिनको मैं मिली थी अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट के बाहर, अगर वो ये देख रहे हैं या उन तक ये पैगाम पहुंचे, प्लीज मुझसे रब्ता करें. मोस्ट इम्पोर्टेंटली दुबई के वीजे नहीं लग रहे भाई, जो जिनके पास ये खांचे हैं कि यूएई का वीजा कैसे निकलवाना है वो बताएंगे. सर वीजा जो है ना वो नहीं लग जाया करता है. हमारा इंडिया का भी उन दिनों में लगा था जब किसी का नहीं लग रहा था, तो वीजा का होता नहीं किसी चीज का. यूएई के वीजे भाई जिसको है समझ, जो है काउंसलेट में बैठे हुए वो रब्ता करें, डीएम करें. और दिनों अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा